हिवंधिश जंकेत वेलकम बैक टू आवर चैनल इस वीडियो में करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एम के लिए जीके के 25 पच्चीस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट जो लेवल है हार्ड लेवल है एसएसआर वालों के लिए है तो एमआर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो टारगेट है केवल दस नंबर का है बाकी एस के कैंडिडेट्स का भी टारगेट मैं सिर्फ पंद्रह प्लस दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हार्ड लेवल रखा है मैंने इस वीडियो में तो जिन लोगों को भी बीस प्लस सही होते हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही है और जिन लोगों के पच्चीस आउट ऑफ पच्चीस सही हो जाते हैं आप ये मान के चलो कि आपकी जो जी की तैयारी बहुत अच्छी है डिस्क्रिप्शन पर चेक करिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए चलिए पूरा टेस्ट हम लगाते हैं अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है मेहनत दिखती है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज के इस टेस्ट का भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1985 में 1999 में 1951 में 1965 में तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर वन का तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था गाइज 1951 में तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा राज्य रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है रबर की खेती के लिए मध्य प्रदेश गुजरात केरल राजस्थान क्वेश्चन नंबर दो आंसर करिए तो देखिए रबर की खेती के लिए जो राज्य प्रसिद्ध है वो है केरल राज्य नाइन्टी से भी अधिक रबर का उत्पादन होता है केरल में सी नंबर राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी छब्बीस जुलाई उन्नीस सौ पचास छब्बीस अगस्त उन्नीस सौ इकसठ चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचास पंद्रह जनवरी उन्नीस सौ छियालीस तो आंसर करिए संविधान सभा की अंतिम बैठक तो अंतिम बैठक हुई थी चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को सी नंबर राइट आंसर क्वेश्चन है सलाल जल परियोजना किस नदी पर स्थित है चनाब नदी पर रावी नदी पर झेलम नदी पर सतलुज नदी पर यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सलाल जल परियोजना आपकी किस नदी पर स्थित है बताइए सभी लोग ये आपकी चनाव नदी पर है ए नंबर राइट आंसर होगा अगला देखिए भारत के सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया लखनऊ में दिल्ली में चंडीगढ़ में राजस्थान में या फिर चंडीगढ़ में तो सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर आंसर करिए सभी लोग अगर आपने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो आपका जो जवाब है करेक्ट है चंडीगढ़ में चौबीस मीटर का एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण किया गया है जो लगभग एक किलोमीटर की रेंज की जो एयर है उसको प्योर करेगा तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा थालघाट बोरघाट एवं पालघाट ये किस तट पर स्थित है मालावर तट कोरोमंडल तट कोंकड़ तट या फिर इनमें से कोई नहीं बताइए आंसर करिए राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा यह आपके कोंकड़ तट पर स्थित है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है तांबा लोहा मैग्नीशियम या फिर जस्ता तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है लोहा होता है बी नंबर राइट आंसर भारत का पहला संचालन उपग्रह आई आर एन एस एस वन ए ये कहाँ से छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा अहमदाबाद त्रिवंतरमपुरम या फिर बेंगलुरु तो बताइए पहला संचालन उपग्रह आई आर एन एस एस वन ए ये कहाँ से छोड़ा गया था तो ये छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से ए नंबर राइट आंसर नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा गया कि कौन सा स्थान था चालीसवाँ छाछवाँ था, था तिरपनवाँ अट्ठानवा तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में बताइए कौन सा स्थान था तो 2021 में था चालीसवाँ स्थान एग्जाम में आपसे दो का भी पूछा जा सकता है करंट में तो 2022 में जो स्थान रहा है वो है तैतालीसवाँ 2021 में चालीसवाँ था और 2022 में तैतालीसवाँ है अगला क्वेश्चन 10वां नंबर इक्यानवा जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उसके विजेता पूछा गया है कि जो इक्यानवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया है अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन अनिल कपूर या फिर रजनीकांत जी तो राइट आंसर इसका बताइए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा इक्यानवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत जी को दिया गया है एलिवेंथ नंबर क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है अब्दुल कलाम जी को राकेश शर्मा जी को विक्रम सारा जी को या फिर होमी बाबा तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है किसे कहा जाता है विक्रम सारा जी को सी नंबर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तब उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था जहांगीर हुमायूं अकबर या फिर औरंगजेब तो बताइए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल कौन था वो था अकबर सी नंबर थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नीत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति में संसद में मुख्य न्यायाधीश में या फिर विधि आयोग में क्वेश्चन क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में अगर आपको न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है तो उसकी जो शक्ति है वो किसके पास है तो वो है गा संसद में सी नंबर सॉरी बी नंबर कनाडा की मुद्रा पूछी गई है कनाडा देश की यूरो पेशो कोरोना डॉलर बताइए कनाडा देश की मुद्रा तो यहाँ पे कैनेडियन डॉलर चलता है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा फिफ्टींथ नंबर क्वेश्चन है पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन उत्सर्जी पदार्थों का निवारण प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण पाचन तथा हेतु वसा का इमल्सर करना तो देखिए पित्त का जो मुख्य काम होता है वो होता है पाचन तथा हेतु वसा का इमल्सन करना डी नंबर राइट आंसर होगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकराइड है सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज गैलेक्टोज गेल, या फिर उपयुक्त सभी तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकराइड है वो है आपका ग्लूकोज व फ्रोक्टोज बी नंबर राइट right आंसर होगा सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन देखिए ई एन टी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर ये किस प्रकार का होता है उत्तल होता है अवतल होता है क्षमतल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं तो देखिए डॉक्टरों द्वारा ई एन टी में डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो हेड मिरर होता है वो आपका अवतल होता है बी नंबर कोडार्क मंदिर का निर्माण ये किसने कराया था राजा कुलोतुंग ने नरसिंह देव प्रथम ने महीपाल ने विष्णु गोप ने तो कोडार्क मंदिर का निर्माण बताइए यह करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने बी नंबर राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजित सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी नेपाल ने फ्रांस ने अमेरिका ने भारत ने तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजित सम्मेलन की जो मेज़बानी है वो भारत ने की थी तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आर द्वारा जारी किए गए नए सौ रुपये के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी से विशेषता है तो चारों विशेषताएं पढ़नी पड़ेंगी सौ रुपये के नोट की बात हो रही है यहाँ पे पहला है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा मूल्य वर्ग संख्या सौ देवनागरी में नहीं लिखी है गलत हो जाएगा नोट का रंग भूरा है ये भी गलत है तो चुपचाप आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही कर देंगे रानी की बाब की आकृति है सौ रुपये के नए नोट में डी नंबर राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर पूछा गया है इसका मुख्यालय हरिजन सेवक संघ की हर, हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय दिल्ली सूरत अमेरिका या फिर पुणे तो देखिए हरिजन सेवक संघ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ जाता है तो कैंडिडेट छोड़ देते हैं पढ़ के नहीं जाते हैं तो इसका एक पुराना नाम है अप्रस्ता निवारण संघ इसका जो पुराना नाम है अप्रस्ता निवारण संघ उसको बदल कर तेरह सितम्बर उन्नीस को हरिजन सेवक संघ नाम रखा गया इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो घनश्याम विडला थे और इसके जो पहले सचिव थे वो थे विठ्ठल दास ठक्कर इस संघ का जो मुख्यालय है वो गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा दिल्ली चीनी यात्री इत सिंह किसकी बात हो रही है यहाँ पे इथ सिंह स्थान में तीन वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा पाटलिपुत्र में नालंदा में बोधगया में या फिर तामरा लिप्ति में तो चीनी यात्री इत सिंह ने बताइए कहाँ पर ठहर कर तीन वर्ष संस्कृत सीखा था तो इन्होंने सीखा था इत सिंह में सॉरी इन्होंने सीखा था तामरा लिप्ति में इत सिंह ने ताम्रालिप्त में तीन वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखी थी तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है छब्बीस सितंबर छः जुलाई आठ अगस्त पाँच जून यहाँ पर ध्यान दीजिए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पूछा गया है जल्दबाजी में आप डी नंबर आंसर सही कर दिए होंगे तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस बताइए देखिए ये मनाया जाता है छब्बीस सेप्टेम्बर को ए नंबर राइट आंसर होगा अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तब आप पाँच जून सही करेंगे भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है हरियाणा पंजाब गुजरात महाराष्ट्र तो पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित है वो है आपका गुजरात में सी नंबर राइट आंसर होगा लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है दादा भाई नौरोजी एडम स्मिथ सी आर दत्त इनमें से कोई नहीं तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं वो हैं आपके एडम स्मिथ बी नंबर राइट आंसर होगा ये थे आज के इस वीडियो के 25 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नेवी एस एस के लिए थे एम के कैंडिडेट्स के लिए जो टारगेट दिया था इसीलिए दस नंबर का दिया था बताइए कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में एस के कैंडिडेट्स आप बताइए आपके पच्चीस में से कितने सही हुए सभी लोग ईमानदारी से कमेंट किया करिए कोई दिक्कत नहीं है दस पंद्रह बीस पाँच दो जितने आपसे बन रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट सिर्फ सिर्फ एक कमेंट आपको ये वीडियो कैसी लगी मिलते हैं इस वीडियो में बाय